हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए फ्रेंड, मैं छत पे आई हूँ अपनी और सुबह सुबह का समय है, सुबह का 8 बजा है और देखिए कितना अच्छा वेदर है हमारे वहाँ का और इस समय हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। कितना अच्छा वेदर है, आज बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। बारिश तो हो ही रही है लेकिन कल भी धूप निकली थी और परसों भी धूप निकली थी। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और देखिए कैसे मेरे पौधे कितने खुश हैं। गुड़हल में तो बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं और ये देखिए इसमें कितने जो है अवांछित पौधे उगाए हैं जो मैंने उगाए नहीं हैं, लेकिन ये सब कूड़ा डालती रहती हूँ तो बीज से उगाए हैं। बहुत से पौधे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों के हैं। और ये देखिए सब पौधे समाप्त हो गए हैं, सब हैं, इनका सीज़न ख़त्म हो गया। ये तुलसी जी देखिए फिर से हो गई हरी भरी, ये अपने आप ही उगाती हैं हर साल हमारे वहाँ। तुलसी जी के पौधे तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, बिल्कुल सूख जाते हैं। और देखिए ये नया मेहमान पहली बार खिला है, ये है रजनीगंधा का फ्लावर और देखिए पूरे गुच्छों में आया है। अभी एक स्टिक ही निकली है पहली बार, देखिए कितना प्यारा फूल है। और देखिए गुड़हल में कितने फूल लगे हैं आज, कल भी मैं 9-10 फूल लेके गई थी, इस समय हो रहा है अच्छे से। देखिए पनीर है, इस समय पानी भी कुछ कम है क्योंकि कल बहुत तेज़ धूप थी, मैं पानी डालने आई भी नहीं थी ऊपर, तभी कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। वहीं पे भैंसे हैं, देखिए वैसे दूध लेके आते हैं रोज़ ही है। फ्रेंड्स मैं नीचे चलती हूँ, बारिश तेज़ हो गई है, फ़ोन भी मेरा भीग रहा है। मैं फ्लावर के लिए एक डिब्बा लाई थी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ये रखा है। तेज़ हो गई है बारिश फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन भीग रहा है, चिंता हो रही है कहीं कुछ हो ना जाए। मैं देखिए फ्रेंड्स, कल मैं पानी डालने शाम को आई नहीं थी और ये मुझसे कह के गए थे कि पानी डाल देना, मेरी गलती है, मैं डालने नहीं आई थी। कैसे पड़े हो नोटी, बारिश तेज हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ अपना सुबह का काम निपटाने और मुझे भी झाड़ू पोछा भी करना है, थोड़ी सी मैंने झाड़ू लगाई थी और बारिश हो रही थी तो इतना ज्यादा जल्दी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मुरादाबादी मूंग की दाल, और मुरादाबाद में ये दाल बहुत फेमस है और उधर के लोग जो होंगे वो जानते होंगे कि हर गली कूचे में मूंग की दाल ये मिलती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और आज मैं वही बना रही हूँ क्योंकि ये भी उधर के रहने वाले हैं तो उनको भी बहुत पसंद है, और सुबह सुबह गए थे तो गरम गरम जलेबियाँ और ब्रेड ले आए थे, क्योंकि ब्रेड तो ऐसे ही ले आए थे क्योंकि बारिश होती है तो ला के रख लेते हैं, कभी नाश्ते में कुछ मन होता है तो खा लिया जाती है। और देखिए मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, बेटा बाहर कमरे से उठ के आया था तो यहाँ पे लेट गया था क्योंकि बारिश पड़ रही है, तो आज ऐसे ही दिन बीतेगा जब तक बारिश रुकेगी नहीं, और रुक जाएगी तो ये शॉप पर चले जाएँगे। इसीलिए मैं नाश्ता भी तैयार कर रही हूँ, साथ साथ अपना सफाई भी कर रही हूँ घर की, और मैं पहले ही बना लूँगी पापड़ी वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। कहने को तो बारिश पड़ रही है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है इस समय, और बिल्कुल ज़रा देर भी किचन में खड़े होकर कुछ करो तो बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है एकदम। तो मैं पहले बना लूँगी पापड़ी वगैरह, उसके बाद ही नहाऊँगी। मैं एक ही बार में वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होके और सीधे नहा के चली आती हूँ, उसके पहले मैं नहीं जाती हूँ, मेरी आदत है। और देखिए बारिश और तेज़ हो गई है, लेकिन भगवाना मुझे खाली करना पड़ेगा अभी दूध का, तो मैं इसको बाद में रखूंगी और किनारे रख दे रही हूँ। और फ्रेंड्स आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी भी मुझसे नहीं होता ऐसा लेकिन आज हो गया पता नहीं कैसे। और इतने मन से मैंने दाल बनाई और उसमें सब कुछ डाला, अच्छे से बनाई, सिर्फ चटनी की कमी थी, तो मसाला वगैरह गरम मसाला, काला नमक, जीरा मिर्च, हींग,
सब चीज़ खटाई, सब चीज़ें डाल दी, लेकिन कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था। जब हम लोग खाने बैठे तो ये भी कहने लगे कि पता नहीं क्या है दाल में, आज वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। तो जबकि सब कुछ पड़ा हुआ था, मैंने पापड़ी भी बनाई थी और ये जलेबी भी लेके आए थे और ब्रेड भी थी, हालांकि ब्रेड किसी ने खाई नहीं थी, लेकिन जलेबी से इन्होंने खाया और थोड़ी बहुत पापड़ी खाई थी, लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा था। और बाद में पता लगा कि दाल में मैंने नमक ही नहीं डाला है, क्योंकि मुझे बाद में ध्यान आया कि हम लोग बार बार सब चीज़ें डाल रहे हैं, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है और थोड़ा थोड़ा नमक डालने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा। तो ये कहने लगे कि शायद नमक बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही लाइट। तो हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है जो इतना लाइट हो। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आज नमक डाला ही नहीं था। और देखिए नाश्ता तैयार है, जलेबियाँ गरम गरम और ये पापड़ी और थोड़ी सी सेवनी बना ली थी मैंने। ये देखिए दाल, नींबू डाल रहे हैं और ये जीरा हींग और सूखी लाल मिर्च, भुना हुआ है, सही भुना है, कुछ निकाल लो वरना जल जाएगा ना, इसको जो है अलग निकाल लो। देखिए फ्रेंड चाय भी रेडी हो गई है, आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए हम लोगों के साथ। और देखिए जलेबी सब ठंडी हो रही हैं, क्योंकि पहले लाके ले आए थे और मौसम भी थोड़ा सा बारिश पड़ रही है तो जल्दी ठंडी हो जाती है चीज़। आइए और ये देखिए अपने हाथ से निकाल रहे हैं, खूब इन्होंने दाल को घोट दिया है क्योंकि घुटी ही अच्छी लगती है। मक्खन रखा है, निकाल दिया था पहले से, जिससे कि जो थोड़ा टाइट ना रह जाता। आप अपना लोगों का परस, अभी वो तो नहाया भी नहीं है, उसको क्या परस हो गया, अपना बनाओ खाली, थोड़ी मेरी निकाल दो, अपनी परस लो बड़े वाले कटोरे में। और मिर्च रखी है भुनी आपकी, मुरादाबादी दाल किसने किसने खाई है बताइएगा। देखिए दाल में सब डाल दिया है, जीरा ही डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया, बस चटनी नहीं थी, चटनी की कमी है खाली, और चटनी धनिया थी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी धनिया लाए थे, आजकल धनिया आ ही नहीं रही है मार्केट में। देखिए अपना मिर्चा गरम कर रहे हैं, मिर्च जो है क्रिस्पी नहीं हुई थी इसलिए और ज़्यादा भून रही है। हाँ तो देखिए अब ये खाने बैठ गए हैं नाश्ता करने, और बेटा अभी नहाया नहीं था तो खाली जलेबी खा रहा था दो चार, और ये नाश्ता कर रहे हैं, बार बार काला नमक डाल रहे थे, कभी नींबू डाल रहे थे, और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की कमी है दाल में। और जब मैं खाने बैठी तो जब मैंने अपना जो है दाल की एक बाइट ली तो मुझे कुछ लगा कि नमक बहुत कम है, तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने तो दाल में जब झाग निकाली थी, क्योंकि मेरी आदत है झाग में निकाल के ही हर दाल बनाती हूँ, चाहे अरहर की बनाऊँ या कोई सी भी दाल बनाऊँ, तो मैंने जो है झाग निकाली थी उसके बाद नमक डाला ही नहीं था, तो मुझे ध्यान आ गया, फिर हम लोगों ने नमक डाला कायदे से। और देखिए फ्रेंड मैंने इतने ज़्यादा पापड़ी बनाई है और साथ में थोड़ी सी सेमी भी बना ली थी, और ये सब अभी नहीं खाई जाएंगी, बस मैंने तो रख दिया है ठंडी होने के लिए, अब जब हम लोग नाश्ता कर लेंगे उसके बाद फिर इनको मैं डिब्बे में बंद करके रख दूँगी भर के, तो ये चाय के साथ खाने में आ जाएंगी, नाश्ते में काम आ जाएंगे, ऐसे कभी चाय के साथ खाने के लिए एक दो खा लो। और ये सब कोई नहीं इतनी खाएगा, ये तो जलेबी से ही खा रहे हैं, बस इन्होंने दो चार पापड़ी खाई थी और मैं जलेबी खाती नहीं हूँ दाल के साथ, तो मैंने पापड़ी ही खाई थी खाली। और देखिए अब जब मैंने देखिए नींबू लेके आई हूँ मैं, और जब मैं खा के देखूँगी तो मुझे कुछ लगेगा कि हाँ मैंने नमक नहीं डाला है, और जब नमक डाल लिया तो बहुत अच्छा टेस्ट हो गया दाल का। वैसे भी दाल खूब अच्छी से घोट के बनती है, बिल्कुल ही घोट दी जाती, तभी ये खुद ही से परस रहे थे, क्योंकि ये अच्छे से घोट के अपना जैसे इनको पसंद है वैसे ही कर लेते हैं। और मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया था, मसाला वगैरह भी, जीरा हींग भी भून के रख दिया था, और ऊपर से सूखी मिर्च तोड़ के डालते हैं, और गरम मसाला, नींबू, पिसी खटाई थोड़ी सी, सब मैंने भी उसी में डाल दी थी। और देखिए नमक ही नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, भूल ही गया।
पहले तो मैं सोचा था झाड़ निकाल के डाल देंगे, फिर हमने ऐसे बंद करके पका दिया। दाल में नमक नहीं पड़ा तभी तो स्वाद नहीं पड़ा। अब आएगा मजा। चलो ऐसा कहा कि नमक लगा हो, चलो मुँह भी सो जाता है। बर्फ नहीं लोगे? बर्फ नहीं लेना है यार। अरे क्या करना है, ठंडा हो गया मौसम। क्या उनको ठंडक लग रही है नहाने में? देख तो लो अपनी गर्मी में, गीजर ऑन कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जा रहे हैं दुकान, क्योंकि बारिश बिल्कुल रुक गई है और मौसम बिल्कुल खुल गया है एकदम से। तो वैसे भी मैंने तैयारी इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि अगर बारिश रुक गई तो फिर ये जल्दी करते रहेंगे, फिर चीखेंगे फिर। तो इसलिए मैंने नाश्ता सही टाइम से तैयार भी कर दिया था। मैं कहीं घूमने चला था, 10:30 बजा है तो ये टाइम से जा रहे हैं। और अगर नाश्ता ना बनाती और बारिश रुक जाती तो ये फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। खाना पानी देखिए, अब ये जा रहे हैं और बहुत अच्छा वेदर है बाहर का। इधर दिखलाती हूँ आप लोगों को, देखिए कितना अच्छा व्यू है इधर का। दुक्का बूंदे गिर रही हैं और बाकी रुक गया है, मौसम भी खुल गया है। देखिए आसमान में सफेदी है। जा रहे हैं शॉप पर, 10:30 बजे का समय हो गया है। मैंने बेटे की दाल निकाल दी है, अब जा रहे हैं इसको। और मैं इसमें बटर डाल के देख रही थी कि दाल ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ठंडी हो गई हो, जो बटर पिघले भी ना, लेकिन दाल गर्म थी इसीलिए मैं बार बार डाल के चम्मच से देख रही कि दाल कितनी गर्म है। फ्रेंड्स, अब ये लोग जो है नाश्ता कर चुके हैं, ये तो शॉप पे चले गए हैं और बेटा अभी नाश्ता कर रहा है, मैंने उसको नाश्ता लगा दिया है। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी करना भूल जाते हैं, और लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं। जितने व्यूज़ हैं उससे भी लाइक तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को फुल वॉच करके देखें। प्लीज़ जाते समय लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इतना सपोर्ट और आशीर्वाद दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।